बहुत सिंपल और मज़ेदार से मसाला नान, जिसके लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हर किसी के पास अवेलेबल होते हैं। हमारे पास है 1 टेबल स्पून लहसुन, 7 अदद मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ के टोमेटोज़, उनको मैंने स्लाइस कर लिया है कट, और उसके अलावा शान का कढ़ाही मसाला, आप बड़ा मसाला का बॉक्स जो आता है मीडियम साइज़ वाला वो वाला भी ले सकते हैं, मैंने साशे लिया हुआ है। अपने फ्लेवर के हिसाब से आप इसमें मसाला ऐड करें, ज़्यादा तेज़ चटपटा अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, मैं ये 1.5 पैकेट डालूँ। इसके अलावा मैंने 3/4 कप जो है इसमें ऑयल लिया है, ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं बनाना। ये मैं पैन में डाल रही हूँ ऑयल, ये जा रहा है इसमें 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन, लहसुन को थोड़ा सा सौते करेंगे। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ टोमेटो, और साथ ही इसके अंदर हम डाल रहे हैं शान मसाले का पैकेट, ये मैं इसमें डाल रही हूँ, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने मिक्स कर दिया है मसाला इसके अंदर सारा, मैं इसको ढकना ढक के तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी कि टमाटर हमारे अच्छी तरीके से गल जाएं। ये आप लोग देख सकते हैं टोमेटोज़ हमारे ऑलमोस्ट गल गए हैं, इनको हम स्पून की ही मदद से अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे, और ये मैश हो जाएगा तो बस इसको भून के कि इसका पानी पूरा ड्राई हो जाए हम स्टोव को बंद कर देंगे। इस स्टेज पे आप लोग इसका नमक या मिर्चें चख सकते हैं, अगर आपको डालनी है तो आप ऐड करके और उसको फिर अच्छे तरीके से भून लीजिए। अब हम आते हैं नान की प्रिपरेशन की तरफ। ये आप लोग देख सकते हैं हमने तवे पे अपना नान डाल लिया है, इसके ऊपर मैं डालने जा रही हूँ जो मसाला हमने ग्रेवी बनाई थी, उसको इस तरीके से स्प्रेड करेंगे आगे पीछे दोनों तरफ अच्छी तरीके से, और इसको इसमें फ्राई करेंगे। अच्छे से लगा देना है पूरा नान पे, हमने अच्छी तरीके से मसाला कोट कर लिया है, इसको बस हल्का सा हम पकाएंगे और फिर डिश आउट कर लेंगे। ये हमारे मज़ेदार से गर्मा गर्म मसाला नान रेडी हैं, सर्व विद रायता।